वो आदमी जिसमें तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने बैठ गया। कोई देखने वाला नहीं था, वो तन्हा था, हुजरे में था, अपने बंद कमरे में था, अपने रब को याद किया। अल्लाह की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, उसकी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगी। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि ये आंसू इतने कीमती हैं, इन आंसुओं के बदले में कयामत के दिन उसे अर्श इलाही का साया नसीब होगा। अर्श इलाही का साया उसे नसीब होगा इन आंसुओं के बदले में। रूमी अलैह रहमा फरमाते हैं, जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत उतरती है। तो इसलिए जो अल्लाह की याद में रोने का लुत्फ है और अल्लाह की याद में आंसू बहाने का अजर और सिला रखा गया है, ये गुनाहों को धो डालता है, ये अंदर की सफाई और सुथराई का सबब और जरिया है।